जी को भी है पसंद। बढ़ते आगे, आईपीओ का सीजन ठंडा पड़ा हुआ है, आप सोचोगे ठंडा है ठंडा ही रहेगा, जी नहीं। वित्त वर्ष 2022-23 यानी कि मार्च 2023 31 मार्च 2023 आने की तैयारी में बचे हैं 4 हफ्ते और आईपीओ का सीजन एक बार फिर से लौट कर आएगा, क्योंकि कई सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनके डीआरएचपी आ चुके हैं, अप्रूवल हो चुकी है, अगर वो मार्च के पहले पहले आईपीओ ना लाए, आई मीन अप्रैल के पहले 31 मार्च तक न लाए, तो उन्हें फिर से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट करवाने पड़ेंगे, तैयार करने पड़ेंगे, फिर से देने पड़ेंगे, फिर से अप्रूव करवाने पड़ेंगे। इसलिए अब अगले 4 हफ्ते आईपीओ सीजन की एक बार फिर से बाहर आने जा रही है, ढेर सारे आईपीओ लाइनअप हैं जो आ सकते हैं, बशर्ते कि बाजार का मूड माहौल थोड़ा ठीक रहे। कौन से आईपीओ हैं जो तैयारी कर रहे हैं पैडअप करके, पूरा ग्लव्स वगैरह पहन के, हेलमेट लगा के मैदान में उतरने के लिए? अरमान बताइए कौन कौन से खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं? जी सर, कई सारे खिलाड़ी हैं जिसमें अब आईपीओ आने वाले हैं। जैसा कि आपने कहा था कि मार्केट ऐसा था, तो पिछले 2 महीने से हमने देखा कि कोई भी आईपीओ नहीं आया, क्योंकि निफ्टी का अगर बात करें तो 3.5% की गिरावट थी, सबके डीआरएचपी सबके फाइल हो चुके हैं, लगभग जो मैंने लास्ट डेटा चेक करा था 67 या ऐसी कंपनियां हैं जिनके ऑलरेडी सब पेंडिंग में चल रहे हैं वो, और जो उन्होंने होल्ड पे डाल रखा है अभी तक मार्केट की वजह से। अब आने वाले जो 5-6 महीने हैं, 5-6 हफ्ते हैं, वहां पर अगर आप देखेंगे लगभग 9 कंपनियां ऐसी हैं जो लगभग 17,000 करोड़ जो है वो आईपीओ मार्केट के जरिए जो जुटाने वाली है। और 9 कंपनियां 17,000, मतलब बड़ी बड़ी साइज के आईपीओ। यस सर, बिल्कुल। उसका डिटेल्स भी अभी आगे हम बताएंगे हम कि उसमें कौन सी कंपनियां हैं। और अगर आप साल का सबसे पहला जो आईपीओ है वो जो डीवीजी टॉक ट्रांसफर सिस्टम करके जो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट कंपनी है, उनका साल का जो पहला आईपीओ है वो 1 मार्च को खुलने वाला है। अब अगर आप बात करें कि अब कौन से कंपनियां हैं जो आईपीओ लाने वाली है, जिसमें अगर आप साइज के हिसाब से सबसे पहले अगर अपन जाएं तो मैनकाइंड फार्मा, जहां पे 5,000 करोड़ का उनको इश्यू साइज होने वाला है। नेक्सस मॉल की बात करें, वहां 4,000 करोड़ के है। टीवीएस लॉजिस्टिक की बात करेंगे, वहां पर भी 4,000 करोड़ के आसपास का है। और इसी लिस्ट में आपको सिग्नेचर ग्लोबल दिखेगा, एवेलॉन दिखेगा, डीवीजी दिखेगा, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक दिखेगा और कॉग्नेंट सिस्टम दिखेगा, जहां पर ये आईपीओ जो है लगातार जो है आने वाले हैं। अब अगर आप उस हिसाब से देखें कि अगर आप पिछले सालों की तुलना देखेंगे तो 2022 में अगर आप देखेंगे तो कुल 40 कंपनियों ने आईपीओ के जरिए लगभग 60,000 करोड़ के आसपास जो है जुटाए थे। वहीं 2021 की अगर आप बात करेंगे तो लगभग 63 कंपनियां ऐसी थी जिन्होंने आईपीओ के जरिए लगभग 1.2 लाख करोड़ जुटाए थे। तो अभी तक तो जो माहौल जो आपको सुस्त दिख रहा था, पर आने वाले अब ये जो 5-6 हफ्ते हैं, जब तक जैसा कि सर ने भी कहा मार्च तक, वहां पर आपको कई सारे आईपीओ जो है वो लाइनअप है और लगभग अगर आप देखेंगे कुल 17,000 करोड़ का जब तक है जो आईपीओ प्राइमरी मार्केट में आने की उम्मीद है। ओहो, ये इंटरेस्टिंग है। यूजुअली आई मीन ठीक है, आई डोंट नो, मे बी ये ईयर एंड फैक्टर है जो आप कह रहे हैं, क्योंकि फिर से इन्हें फाइनेंशियल रीस्टेट करेंगे। यूजुअली आईपीओ की ऐसी बौछार तो तब आती है जब बाजार अच्छे मूड में हो, थोड़ी लिक्विडिटी दिख रही हो, माहौल अच्छा हो। ये खराब माहौल में इतने बड़े बड़े मजबूरी वही है। या तो देखिए आप और लंबा इंतजार करें कि भाई फिर मार्च निकल गया, अकाउंट्स ऑडिटेड कराएंगे, और ये क्या है ईयरली अकाउंट्स है, हाँ, तो ईयरली अकाउंट फिर ऑडिटेड चाहिए आपको डीआरएचपी अप्रूव करवाने के लिए। तो पहले ऑडिट होगा, ऑडिट में भी समय लगता है, रिपोर्ट बनेगी, आप डीआरएचपी फिर से फाइल करेंगे, मतलब रिवाइज जो भी है, फिर आने में मतलब 3-4 महीने का प्रोसेस लंबा हो जाता है, फिर कम से कम उतना तो हो ही जाएगा। सो अगर किसी कंपनी को लगता है कि नहीं ठीक है थोड़ा बहुत कम ज्यादा है हम मैनेज कर लेंगे, इंटरेस्ट थोड़ा प्राइसिंग ऊपर नीचे करके भाई इन्वेस्टर्स को कन्विंस करके ले आए, तो कोशिश करेंगे लोग। तो इस बात से कुछ ये भी पड़ता है, ये आधे से ज्यादा मतलब कुछ आईपीओ तो ऐसे हैं जो एक्चुअली में सेकंड हाफ में मतलब 30 सितंबर के आसपास के ड्यू थे, वो ऑलरेडी डिले कर करके यहां तक पहुंचे, तो इसलिए वो और डेडलाइन, मतलब मार्केट के मूड के हिसाब से वो सोच रहा है ठीक होगा ठीक होगा ठीक होगा। हम भी यही सोच रहे हैं, लेकिन जैन साहब भी आईपीओ पर बड़ी गहरी पकड़ रखते हैं। जैन साहब जरा बताएं आपकी राय। नहीं नहीं बिल्कुल सही बात है अनिल जी, आपने जो कहा, देखिए ईयर एंड है और बहुत बड़ा वो हो रहता है कि मर्चेंट बैंकर की भी फीस रहती है, फिर आपको सेबी में एक बार अप्रूवल मिल गया, फिर वापस से नया फाइनेंशियल ईयर आ गया तो आपको नए ऑडिटेड रिजल्ट्स देने होंगे, तो ये आएंगे। और देखिए रिस्पॉन्स तो वैसे ही आईपीओस को अब ज्यादा नहीं मिलता, और एक अगेन चीज ये है कि आईपीओस भले ही आए उनमें देखना होगा कि एग्जिट है, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एग्जिट दे रहे हैं या फ्रेश कैपिटल है, किस तरीके के सारों में प्राइसिंग क्या रहती है, ये सब चीजें अब बहुत मायने रखने लग गई, क्योंकि अब आईपीओ मार्केट पूरा जो पहले था एचएनआई की फंडिंग से बहुत ज्यादा बढ़ता था, ग्रे मार्केट्स में प्रीमियम से, ये सब चीजें बहुत
हमारे रेगुलेटर्स ने काफी हद तक ठीक किया और अब दूध का दूध पानी का पानी है, बस ये है कि अलॉटमेंट मिलते ही लॉटरी लग जाए वैसा नहीं है। सो लेट्स सी, सो मुझे लगता है कि ये आना भी चाहिए मार्केट्स को देखकर। और ये जो आईपीओ की बाहर आती है वो भी एक खराब चीज है, क्योंकि जब आईपीओ बहुत ज्यादा आने लग जाते हैं तो भी एक ट्रिगर होता है कि अब यहाँ पे मार्केट को विराम लग गया, सेकेंडरी मार्केट से प्राइमरी मार्केट तक पैसे जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो भी आईपीओ आए, अब बाकी तो आप राय देते हैं, हम भी राय देंगे ही और अच्छे आईपीओ में लगवाने की कोशिश करेंगे, बट अगेन प्राइसिंग will be very important। और ईयर एंड में थोड़ा सा लोगों का देखिए कुछ लोग अवॉइड भी करते हैं क्योंकि फिर वो अकाउंटिंग और अलग अलग फैमिली अकाउंट्स और बहुत सारी चीजें रहती है, तो थोड़ा लोग वैसे भी लैकलस्टर रहते हैं और लैकलस्टर ही रिस्पॉन्स मिलेगा ऐसा मेरा मानना इन आईपीओस को। ओके, तो उतना कुछ खास रिस्पॉन्स मिल नहीं सकता है इन आईपीओस को, देखते हैं। एक महीना है और साल के अंत से पहले कुछ बड़ी आईपीओ आने की तैयारी में, आई थिंक 1 मार्च को एक नई आईपीओ भी खुल रही है।